तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिट्टू पहाड़ी और मेरे फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। तो एक्चुअली सीन क्या है कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है। तो मम्मी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि बिट्टू तेरे कागज़ आ रखे। मैंने कहा मेरे कागज़ आ रखे? मैंने कहा ये बुढ़ापे में कौन से कागज़ रखे मेरे? मैंने कहा इसकी सरकारी नौकरी लग रही मेरी। तो फिर बाद में पता चलता है, फिर मैं पायल को फ़ोन किया, फिर पायल को बोला, पायल मेरे घर पर जाके देख ये कौन से कागज़ आ रखे। तो फिर बाद में पता चलता है कि गूगल एडसेंस पिन आ रखा है, तो जिससे कि मैं अपनी पेमेंट जो है जनरेट कर सकता हूँ यूट्यूब के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू। तो लगभग एडसेंस पिन आने में 3 महीने लगे हैं, फाइनली आ चुका है, और सभी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो दोस्तों, अब आएगा मज़ा वीडियो बनाने में और तगड़ी व्लॉगिंग होगी, और बस आप देखते रहिए। तो पहले जो मेरी पेमेंट आती थी वो डोनेशन के थ्रू आती थी, आप सभी लोग जानते हैं, और काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प की है, काफ़ी लोगों ने मेरी मदद की है। और तो जो अब पेमेंट आने वाली है वो आएगी डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू। अब बस अभी थोड़ा टाइम और लगने वाला है, अभी अकाउंट की डिटेल्स जो है फिल करनी पड़ेगी एडसेंस के साथ। तो अभी मैं साफ बता देता हूँ, जो मेरी पहली पेमेंट आ रही थी वो आ रही थी मेरी डोनेशन के तौर पे, मुझे पेमेंट मिलती थी। तो दोस्तों, जो अब जो मेरी अर्निंग होगी, अब जो रिवेन्यू मिलेगा यूट्यूब से भी मिलेगा, और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, गूगल एडसेंस प्रोग्राम में अपना डिटेल्स, बैंक आईडी की डिटेल्स डालनी पड़ेगी और अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। और तो अभी जब सीन क्या हो रहा था, जब मैं इसको प्रोसेस पे लगा रखा था मैंने, तो बैंक वाले बोलते हैं, गूगल एडसेंस वाले बोलते हैं कि आपको स्विफ्ट कोड नंबर डालना ज़रूरी है। वो स्विफ्ट कोड मेरे पास था नहीं, तो बैंक वाले बोलते हैं कि हम स्विफ्ट कोड प्रोवाइड नहीं करते। तो फिर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका स्विफ्ट कोड होगा मतलब। तो उसके बाद मैं अपना अकाउंट डिटेल डालूंगा गूगल एडसेंस में। तो देखते हैं आगे का सीन क्या होता है दोस्तों। बाकी तो दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, और बस यही है, एक बार मेरा गूगल एडसेंस सेट हो जाए बस फिर मज़ा आ जाएगा पैसे के यहाँ काम करने में। तो एक सीन होता है ना, पैसा नहीं आएगा तो फिर काम करने की इच्छा नहीं होती यार, क्योंकि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता भाई। तो यही सीन है, अभी जाऊंगा बैंक, कल जाता हूँ बैंक में, बैंक का पता करना है कि कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाना है जो कि अच्छा जेन्युइन बैंक हो और जो सही टाइम पे पेमेंट जनरेट कर सके। तो फिर देखते हैं आगे का सीन क्या होता है। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तो अभी आपको मेरी वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी, मुझे पता है, मैं इसके लिए खेद, फिर भी आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, और मैं थैंक्स हूँ आप सभी लोगों का, मेरे भाई लोगों का, मेरी बहनों का जो मुझे देखते हैं, थैंक यू सो। तो अभी लगभग जो मेरी पेमेंट फंसी पड़ी है, मैं सीरियसली आप लोगों को बता देता हूँ, तो $785 कम नहीं होते, $785 जो मेरी पेमेंट फंसी पड़ी है, ये कब से फंसी पड़ी है पता है, साढ़े तीन महीने हो गए इसको। और जब ये पेमेंट निकलेगी तब थोड़ा बहुत खर्चा भी निकल जाएगा। अभी देखते हैं, अभी आगे और भी काम करना है, नया फ़ोन लेना है, और क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है उस खास बहुत झेल लिया इसने, मोनेटाइज तो फ़ोन करवा दिया है मेरा। ये जो मोबाइल मेरा है, ये अभी जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, वीवो Z1 Pro है दोस्तों, और इस फ़ोन ने बहुत अच्छा साथ दिया है। तो मुझसे कई भाई लोग बोलते हैं यार मेरा यूट्यूब चैनल बना दे, कैसे बनाते हैं भाई, कुछ ही नहीं है यूट्यूब चैनल, वीडियो डालो बस चैनल बन गया, कुछ नहीं करना होता। आपको अपना एक फ़ोन लेना है, अच्छा फ़ोन है जिसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो और वाइड एंगल कैमरे के साथ हो, 20 से 25 हज़ार में अच्छा फ़ोन लेके आप अच्छी सी व्लॉगिंग कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं यार मेरे पास सेटअप करने के लिए, मतलब सेटअप नहीं है मेरे पास, ना तो मेरे पास कैमरा है ना माइक है, भाई कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। मैंने एक माइक लिया था, 1700 का माइक लिया था, और 1700 का मैंने स्टैंड लिया था, क्या कौन सा स्टैंड था, उलांजी का स्टैंड लिया था। तो फिर बाद में मैंने उसे भी हटा दिया, फिर मैं फ़ोन को हाथ में पकड़ा, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, और इसी फ़ोन से मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया है। अभी तो ये जो फ़ोन है इसकी तो क्वालिटी फिर भी बहुत अच्छी है। इसे जो पहला फ़ोन था ओप्पो कुछ करके था, उसकी क्वालिटी जो मैंने फर्स्ट वीडियो जो आई थी ना सीरू बीरू वाली, उससे वो वीडियो बनी। अब आप लगा लो एक फ़ोन से यूट्यूब चैनल आप अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो और अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। बाकी तो दोस्तों यार ये तो बोलने वाली बात है, मेरे पास सेटअप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आप भी कर सकते हो, करो भाई, मैं आपका सपोर्ट करने वाला हूँ। बस बाकी यही है, जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया है, आज देखो आज मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, देखो। तो चलिए दोस्तों, अपनी मजाक अपनी जगह, तो फिर मिलते हैं फिर कभी,
और अभी ऐसे प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो बाकी दोस्तों आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ, फिर भी आप मेरे दिल में बसे हो दोस्तों। थैंक यू सो मच।